नमस्कार, आप देख रहे हैं केगेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर डिंपल यादव ने शपथ लिया है। सांसद के तौर पर डिंपल यादव ने शपथ ली है और आपको बता दें कि मैनपुरी से सांसद जो है वो डिंपल यादव चुनी गई है और संसद में डिंपल यादव ने सांसद पद की शपथ ली है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर डिंपल यादव ने शपथ ली है। सांसद के तौर पर डिंपल यादव ने शपथ ले ली है। मैनपुरी से सांसद जो है वो डिंपल यादव चुनी गई है और आज उन्होंने शपथ भी अपने पद की ली है। बताना चाहेंगे कि संसद में डिंपल यादव ने सांसद पद की शपथ ली। बड़ी खबर रामपुर के सामने आ रही, जहां पर आजम खान के एक मामले में सुनवाई है। आज भड़काऊ भाषण केस में आज सुनवाई होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में केस दर्ज हुआ था और एमपी हमारी कोर्ट में आजम पर सुनवाई जो है वो आज होने वाली है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आजम खान के एक मामले में आज सुनवाई होगी। चित्रकूट से बड़ी खबर, एक्सपायरी इंजेक्शन से बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। आरोपी फार्मासिस्ट धर्मेंद्र मिश्रा निलंबित किए गए हैं। बताना चाहेंगे कि वार्ड बॉय अवधेश और कर्मचारी कुलदीप जो है वो निलंबित किए गए हैं। सही साथी में बता दें कि सीएमएस डॉक्टर सुधीर शर्मा ने निलंबन की बड़ी कार्रवाई जो है बोर्ड के खिलाफ की है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, चित्रकूट से जहां पर एक्सपायर इंजेक्शन से बच्ची की मौत का ये मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। आरसी से बड़ी खबर, आरसी में टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टूर्नामेंट का उद्घाटन जो है वो किया है। टेबल टेनिस खेल से मंत्री अनुराग ठाकुर नजर आए हैं और आपको बता दें कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजन किया गया काशी तमिल संगम कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का एक बड़ा आयोजन किया गया है और आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने छात्रों से मुलाकात की। खबर चित्रकूट से है, जहां पर श्री कामतानाथ मंदिर प्रमुख द्वार के संत मदन गोपाल दास की प्रेरणा से मंदाकिनी तट पर लगभग 300 युवकों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ ली है। चित्रकूट से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर श्री कामतानाथ मंदिर प्रमुख द्वार के संत मदन गोपाल दास की प्रेरणा में मंदाकिनी तट पर लगभग 300 युवकों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ ली। वहीं युवक एवं युवतियों ने सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने और अपने घरों को पॉलिथीन से युक्त करने